हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर स्लैब गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मेरे टेरेस पे कौन कौन से फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत मैं अपने हाइबिस्कस के प्लांट से करूंगी। ये देखिए, मेरा देसी हाइबिस्कस का फ्लावर है। ये एक फ्लावर ये खिला हुआ है, देन एक फ्लावर ये खिला हुआ है, और ये देखिए एक फ्लावर ये खिला हुआ है। ये देखिए, ये देख सकते हैं एक फ्लावर उस साइड है। और फ्रेंड्स, बर्ड्स देखिए, बर्ड्स तो इसमें काफ़ी सारे रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए काफ़ी सारी कलियां हैं फ्रेंड्स, काफ़ी छोटी छोटी भी हैं और काफ़ी बड़ी कलियां भी हो चुकी हैं, जो कि एक से दो दिन में खिल जाएंगी। और नेक्स्ट फ्लावर है फ्रेंड्स मेरा हाइबिस्कस का ही, हाइब्रिड हाइबिस्कस का फ्लावर है। ये देखिए, अब ये पूरा खिला हुआ नहीं है, मे बी 10 o'clock तक ओपन हो जाएगा। अभी मॉर्निंग की सनलाइट भी इस पर नहीं आई है, जैसे ही सनलाइट आएगी ये काफ़ी बड़ा सा फ्लावर खिलता है और काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है। होप आपको भी कलर अच्छा लगेगा। और इसमें भी देखिए आप कलियाँ कितनी सारी आई हुई हैं, ये देख सकते हैं। और ये देखिए, इस पे भी देखिए कलियाँ कितनी सारी आई हुई हैं। फिर ये देखिए, इस ब्रांचेस पे भी देखिए आपको कली काफ़ी सारी नज़र आ रही है। और नेक्स्ट फ्लावर है मेरा ये हाइबिस्कस का, ये मल्टी पेटल हाइबिस्कस का प्लांट है। इसमें भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, डेली दो चार खिल ही जाते हैं। ये देखिए एक फ्लावर ये खिला हुआ है, और ये देखिए एक के बर्ड्स रेडी हो रहा है, ये कल खिल जाएगा। और ये देखिए एक फ्लावर ये खिला हुआ है। और इधर ये फ्रेंड्स मेरे लौकी का प्लांट है, इसकी कुछ लीव्स भी गिर गई, जिसकी वजह से मैं टेरेस पे अभी जो बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, उसकी वजह से काफ़ी गंदगी भी है, उसको मैं आज साफ़ सफाई करूँगी। ये देखिए ये मेरा फ्लावर खिला हुआ है, और इसमें भी देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सारी कलियाँ रेडी हो रही हैं, जो कि जहाँ तक है कि कलियाँ परसों में खिल जाएगी। काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर इसका लगता है मुझे। और आज मेरे हर सिंगार पे भी फ्लावर्स खिले हुए थे, जो कि फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं कि ये नाइट में खिलता है और मॉर्निंग में ज़मीन पे गिर जाता है, तो इस वजह से इसके फ्लावर्स आपको रात में ही देखने को मिल सकते हैं। मॉर्निंग में अभी तो नहीं दिखा सकती मैं, हाँ ये कर सकती हूँ कि जो इसके फ्लावर्स ज़मीन पर गिरे हुए थे मैं उसको आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीन फ्लावर मेरे हर सिंगार में फर्स्ट टाइम खिले हुए हैं, और मैं भी आज भी इसमें 2-3 फ्लावरिंग तो होगी ही होगी। और नेक्स्ट ये देखिए, ये भी मेरा एक हाइबिस्कस का ही प्लांट है। अभी मैं इसको नर्सरी से लाई हूँ, और अभी मैं मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसको रिपोर्ट करूँ। ये भी देखिए, ये भी फ्लावर आज खिल जाएगा, कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी देखिए नर्सरी वाले ही ग्रो बैग में लगा हुआ है। और अगेन आप ये देख सकते हैं मेरा देसी हाइबिस्कस का प्लांट है, पिंक कलर का। इसमें ये फ्लावर्स कल ब्लूम हुआ था, आज इसमें फ्लावर्स नहीं खिले हैं, और ये बर्ड्स डेवलप हो रही है। ये बर्ड्स आपको कल खिल जाएगी या परसों तक खिल जाएंगे बर्ड्स इसमें। और अगेन ये मेरा एक हाइबिस्कस का प्लांट है, ऑरेंज फ्लावर्स ब्लूम होते हैं इसमें। देखिए बर्ड्स रेडी हो चुके हैं ब्लूम के लिए, जहाँ तक है कि इसमें भी फ्लावरिंग कल ओपन हो जाएगी, फ्लावर्स ये खिल जाएंगे। अगेन ये देखिए मेरा नेक्स्ट हाइबिस्कस का प्लांट है, इसमें भी देखिए फ्रेंड्स कलियाँ काफ़ी सारी आई हुई हैं, और ये भी सेम ही कलर का है फ्रेंड्स। एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे किसी को गिफ्ट करना है, इस वजह से मैंने दोनों सेम ही कलर के प्लांट लिए हुए हैं, और ये भी इसमें ऑरेंज कलर के सेम तरीके के फ्लावर्स आते हैं। इसके भी बर्ड्स रेडी हो चुके हैं ब्लूम के लिए, ये भी कल खिल जाएगी। और ये देखिए मेरा वाइट हाइबिस्कस का प्लांट है, इसमें ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है, और ये देखिए इसमें भी काफ़ी सारी कलियाँ आई हुई हैं। कल इस प्लांट में मेरे 3 फ्लावर्स खिले हुए थे, जो कि हाइबिस्कस तो आप लोगों को पता ही है कि एक ही दिन का फ्लावर्स होता है। और ये देखिए
आज ये एक फ्लावर खिल रहा है, अभी ओपन पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए इसके जो फ्लावर्स खिले हुए थे वो देखिए फ्लावर्स अब गिर चुके हैं। अभी ये फ्लावर्स हाइबिस्कस के जो भी होते हैं वो एक ही दिन के लिए ही होते हैं। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सारी मात्रा में कलियाँ आई हुई हैं। ये देखिए मेरा अगेन हाइबिस्कस का प्लांट है, ये भी देसी प्लांट है, पिंक कलर का फ्लावर्स खिलता है। और ये देखिए इसमें भी कलियाँ काफ़ी सारी मात्रा में आई हुई हैं। अगेन ये मेरा अपराजिता का प्लांट है, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। इस बार इसमें मेरी फ्लावरिंग बहुत लेट में स्टार्ट हुई बट इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए मेरी मारीगोल्ड की कुछ सीडलिंग्स भी रेडी हो रही है। अभी मैंने इसको 1 वीक पहले ही ग्रो किया था और देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छी ग्रोथ ही स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।